Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए अगर महिलाओं का ओवुलेशन हेल्दी होता है तो हेल्दी ओवुलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना शुरू कर देता है, यानी ओवुलेशन होने के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है। हेल्दी ओवुलेशन का मतलब है फीमेल की ओवरी से तो एग रिलीज होगा ही होगा, क्योंकि ओवरी से एग तब रिलीज होता है जब डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर होता है, यानी फूटता है तो उसमें से मेच्योर एग रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब पे चला जाता है और फेलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 36 घंटे तक इंतजार करता है। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। बट गाइज, हेल्दी ओवुलेशन वो होता है जैसे ओवरी से एग तो रिलीज हो ही गया, जो एम्प्टी फॉलिकल है उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यानी ओवरी से एग का रिलीज होना और एम्प्टी फॉलिकल, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटम भी कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटम में से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है, तब जाके आपका ओवुलेशन हेल्दी माना जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ओवरी से एग तो रिलीज हो जाता है बट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ठीक तरीके से इंक्रीज नहीं होता है, तो ये वीक ओवुलेशन के अंदर आता है। तो अगर आपका ओवुलेशन हेल्दी हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है ल्यूटल फेज में, क्योंकि ओवुलेशन के बाद जो फेज होता है उसे हम कहते हैं ल्यूटल फेज। ये हर महिला में फेज होता है, 14 दिन का होता है। अगर इस फेज में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ओवुलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा इस पीरियड आने से पहले बहुत सी महिलाओं में ब्रेस्ट में बदलाव देखे जाते हैं, यानी ब्रेस्ट में टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, सेंसिटिव हो जाती है ब्रेस्ट, यानी आप उसमें हल्का सा भी टच करते तो आपको पेन फील होता है। ये फीलिंग आपको पीरियड आने से पहले भी दिखाई देती है और ये प्रेगनेंसी का भी साइन है। तो किस तरीके से साइन में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही महिलाओं के ब्रेस्ट में टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज रहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रैपिडली इंक्रीज होता है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होने में जो ब्रेस्ट की सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और हाई सेंसिटिविटी होने की वजह से महिलाओं की ब्रेस्ट में ज़्यादा पेन होने लगता है। अगर अचानक से या गलती से भी आपके ब्रेस्ट में आपकी फिंगर भी चली जाती है या सोते वक्त भी टच होता है तो उसमें पेन होने लगता है, और इसके साथ आपके निप्पल में पेन होता है, निप्पल में खुजली होती है, निप्पल का कलर चेंज हो जाता है, डार्क होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में नेचुरली फीमेल की बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जैसे फेस में भी डार्कनेस जैसी लगने लगती है, पिगमेंटेशन भी इंक्रीज हो जाती है, वो इसी की वजह से होती है। बट अर्ली फेज में आपको ये चेंज आपके ब्रेस्ट में नोटिस करना है। इसके साथ गाइस, बच्चे को फीड करने के लिए महिला की जो ब्रेस्ट है वो प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही तैयार हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको पीरियड डेट से पहले अपनी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगेगी, बहुत भारी भारी सी लगेगी, अकड़न लगेगी, बिल्कुल टाइट ब्रेस्ट लगती है, और इसके साथ साथ आपको निप्पल के एरिया में ऐसा बम्प्स है, जैसे छोटे छोटे दाने भी नजर आ सकते हैं। और इसके साथ कई महिलाओं को बहुत अर्ली फेज में ऐसे ब्रेस्ट में खुजली होने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाओं के ब्रेस्ट में स्ट्रेच मार्क भी पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे तो आपको ब्रेस्ट की वेंस बहुत जल्दी विजिबल होती है, दिखाई देने लगती है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में एक तो महिलाओं की बॉडी में बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से जो वेंस होती हैं वो ब्रेस्ट की बहुत जल्दी विजिबल होती है पीरियड डेट से पहले भी। इस साइन को नोटिस कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो निप्पल के पास एरो लगा एरिया होता है, जिसका कलर बिफोर प्रेगनेंसी पिंकिश होता है और जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसका कलर आप देखिएगा डे बाय डे डार्क होता है, ये भी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। इसके साथ आपने देखा होगा जो निप्पल होते हैं पहले धसे हुए से होते हैं, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो बाहर को उभर को आने लगते हैं, क्योंकि निप्पल से ही बच्चा फीड करता है। और इसके साथ आप नोटिस कीजिएगा जो ब्रेस्ट का साइज है वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको ब्रा भी टाइट होने लगती है। तो ये सब साइन हैं जो दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, और इनमें से अगर 2-3 साइन भी आपको अपनी ब्रेस्ट में नजर आ रहे हैं बिफोर पीरियड्स तो ये 101% आपकी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करता है। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।